हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति वेलकम टू एनपीसी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फ्रॉम योर चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओके एंड वन बाय वन हम सभी टॉपिक्स के फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं यहाँ सो लेट एस स्टार्ट विद द कूलम स्लो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कूलम स्लो लर्न किया था फर्स्ट लेक्चर में कूलम स्लो के अकॉर्डिंग टू पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस होते हैं और उनके बीच का जो फोर्स होता है दैट विल भी अट्रेक्टिव एज वेल एज रिपेल्सिव ओके एंड दैट फोर्स विल बी इक्व टू वन बाई फोर पाई एक्सल आर नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर हेयर क्यू वन एंड क्यू टू आर द चार्जेस ओके एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दम ओके okay, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है अब ये जो आपने इक्वेशन लिखा है ए ए फॉर एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम ओके मीन्स जब चार्जेस वैक्यूम में हो या एयर में हो या फिर फ्री स्पेस में हो तो हमें ये फॉर्मूला पुट करना है ओके एंड हियर वन बाय फोर पाई एफ्सल नॉट इज इक्वल्स टू के के इज द कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू नाइन इंटू टेन पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ओके एंड यस एप्सल नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ओके एंड द वैल्यू ऑफ एप्सल नॉट इज इक्वल टू एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व ओके कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड अगर आप टू चार्जेस को किसी मीडियम में लेकर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं सो दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द मीडियम ऑफ द फोर्सेज इज इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एफ्सलान ओके यहाँ एफ्सलान नॉट के प्लस पे एफ्सलान हो जाएगा एंड क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर ठीक है इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं वन बाई फोर पाई अप्सलन नॉट इन टू के अगर आप के से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को सो क्यू वन क्यू टू एंड आर स्क्वायर तो ये आपका जो इक्वेशन होगा वो फॉर मीडियम होगा ओके अपसल नॉट इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम एंड अफ्सलान इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम ओके नाउ वैक्टर फॉर्म कुलम्स लो तो हमने यहाँ पर देख लिया है बट वैक्टर फॉर्म क्या होगा सो वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर साइन यूज करेंगे ओके okay. जो ही जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वही लिखना है आपको वन बाई फोर पर एसल नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर बट फॉर वेक्टर यहाँ पर आप क्या यूज करते हैं यूनिट वेक्टर ओके मीन्स आपको डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर चाहिए दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इज इक्वस टू आर वेक्टर बाय मोड ऑफ आर ओके सो यूनिट वेक्टर के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास एक क्वेश्चन है एफ इज इक्व टू वन बाई फोर फाइ नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर हो जाएगा ओके ये इक्वेशन पुट करेंगे क्योंकि ये भी मोड है स्क्वायर है एंड यहाँ पर आर एक और एड हो गया सो आर क्यूब हो गया तो हियर इज द वैक्टर फॉर्म नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या शो करता है इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ ओके एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस ओके एंड द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वस टू पी इज इक्वस टू क्यू इन टू ए. ओके हियर क्यू इज द चार्ज आप डायपोल में से कोई भी एक चार्ज ले लो ओके इन टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ओके डायपोल के जो टू चार्जेस लिए हैं आपने उनके बीच का डिस्टेंस ले लो टू ए और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सो क्यू इंटू टू एज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इट इज अ फैक्टर क्वान्टिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव ओके ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओके ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था एज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ डाइपोल एंड इक्वेटर ऑफ डाइपोल ये सभी डेरिवेशंस हमने डेराइव किए थे हमारे लास्ट के लेक्चर्स में ओके okay. सो so, अगर आप इन डेरिवेशंस को देखना चाहते हैं तो लास्ट के वीडियो लेक्चर देख लीजिए आपको इजीली सारे डेरिवेशन वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे ओके okay. सो so, ड्यू टू अ पॉइंट पॉइंट चार्ज चार्ज के लिए फॉर्मूला हमने इज इक्व टू के क्यू बाई आर ये लर्न किया था बट एक्सिस के लिए क्या हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू टू के पी इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड होल पावर टू ओके तो ये आपका एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था एंड हियर के द कॉन्स्टेंट टर्म ओके एंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्वस टू नाइन इंटू टेन पावर नाइन एंड पी इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द डायपोल ओके नाउ इक्वेटर ऑफ डायपोल सो ई एंड यस डायरेक्शन एक्सिस के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन बट इक्वेटर में डायरेक्शन चेंज होगी ओके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने यूज किया ओके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वस टू माइनस के पी बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल पावर थ्री बाई टू हियर पी इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ए इज द डिस्टेंस ओके मीन्स जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोवमेंट ले रहे हैं आप उसका सेंटर से डिस्टेंस एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम दट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द डायपोल ओके नाउ नेक्स्ट वन एंड फॉर रिंग रिंग के लिए भी हमने डायरिवेशन प्रूफ किया था इर इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर थ्री बाई टू ओके यर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट एंड टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यूनिफॉर्मली रखा था एंड टॉर्क को किसी एंगल पर रखा था देन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट इज टाउ इज इक्वस टू पी ई साइन ठीटा एंड दिस इज पी ई साइन थीटा ओके पी क्रॉस ई हुआ ओके क्रॉस प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा वेक्टर फॉर्म होता है सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओके नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली अगर कहें तो फाइव इज इक्वल टू ई इंटू ए ये इक्वेशन कब फॉलो होगी जब एरिया क्या होगा सेम या कॉन्स्टेंट बट जब एरिया डिफरेंट होगा वेरिएबल टर्म में होगा तब आपको फाइव की जो वैल्यू है दैट इज ई इंटू डी ए और इंटीग्रेशन करना है ठीक है ये इक्वेशन यूज करना है जब एरिया वेरिएबल हो एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर ओके परपेंडिकुलर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती है उन्हीं को बोलते हैं फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाउ गाउस गाउस्लो सो गाउस स्लो इज इक्वल टू फाइव क्लोज सरफेस यहाँ पे गाउस स्लो के लिए आपको सरफेस कैसा होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए थ्री सरफेस होना चाहिए एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सलन नॉट ओके ये पूरा डेरिवेशन मैंने प्रूव किया था मीन्स ये जो गाउस स्लो है ये फॉलो करता है क्लोज सरफेस के लिए और क्लोज सरफेस में अगर चार्जेस अवेलेबल हैं तो इक्वेशन होगी क्यू इन साइड अपन एफ्सल नॉट और चार्जेस नहीं है तो क्यू इन साइड की वैल्यू जीरो हो जाएगी मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ जीरो हो जाएगा ओके नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ओके एक स्ट्रेट वायर लिया था यूनिफॉर्मली एंड इन्फाइनइटली लॉन्ग और उसके कारण पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव किया था ओके सो so, वहां पर हमने क्या किया था गाउसियंस सरफेस किस तरह से बनाया था सिलेंड्रिकल ओके okay, वो पूरा डेरिवेशन हमने किया था और उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आया था इज इक्वल्स टू लेमडा बाई टू बाई एप्सल नॉट इन टू आर ओके हियर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दैट विल बी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेमडा इज द कॉन्स्टेंट ओके लीनियर चार्ज डेंसिटी टू इज कॉन्स्टेंट फट अफ सोलॉन नॉट इज कॉन्स्टेंट ओके सो ई की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी आर पर ओके ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ओके प्लेन शीट के जो अपर पार्ट में अगर आप uh, यूनिफॉर्मली चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करें और उससे डिस्टेंस एक्स या आर पर कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एंड दैट विल बी द सिग्मा बाय टू एप्सल नॉट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके नाउ फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल शेल और रिंग के केस में क्या होता है कि जो चार्जेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सरफेस ओके सरफेस पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो सरफेस के या फिर शेल के क्या करते हैं हम लोग इन साइड एंड आउटसाइड गाउसन सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं इमेजिन इमेजिन होती है गौशन सरफेस तो उनको ड्रॉ करके इन साइड एंड आउटसाइड में आपको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ओके okay, अगर आपने इन साइड गौशन सर्फेस क्रिएट किया है तो इन साइड में तो कोई चार्ज नहीं है मतलब इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ठीक है बट आउट साइड में होगा सो so आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ईज इक्वल्स टू सिगमा बायस नॉट इन टू आर स्क्वायेर अपॉन आर स्क्वायर हियर आर विल बी फॉर दिस इज द स्पेरिकल शेल रेडियस ओके दिस इज आर जो है कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल शेल ओके ये कॉन्स्टेंट है सो ई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द आर स्क्वायर ओके ई की वैल्यू वैरी करेगी आर स्क्वायर के साथ में मीन्स जो आउटर सर्फेस ले रहे हैं आप गौशन सर्फेस ले रहे हैं उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर अब सॉलिड स्पीयर तो सॉलिड स्पीयर में तो हर तरफ चार्जेस हैं ओके मीन्स वॉल्यूम में चार्जेस हैं तो वॉल्यूम के लिए आपने आउटसाइड और इन साइड दोनों केसेस देखे हैं आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपन थ्री अपसला नॉट इन टू आर क्यूब बाई आर स्क्वायेर ओके हीयर आर इज द कॉन्स्टेंट एंड इट इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर एंड आर स्क्वेयर इज द रेडियस ऑफ आउटर जो भी सरफेस आप ले रहे हैं स्पीयर की आ, उसका रेडियस ओके सो ई विल बी डिपेंड ऑन द आर स्क्वाड इन साइड ई इज इक्वल्स टू रो इन टू आर बाई थ्री एफ नॉट ओके तो ये आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो सभी जो फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलेस हैं वो सभी कवर हुए हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे ओके okay. So till then keep watching and keep learning. Thank you so much.